आपको पकड़ने में दिक्कत नहीं, नहीं मेरे को लगा कभी कोई। सो जब आप इस प्रकार से उन मंत्रों को ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद आप किसी भी व्यक्ति की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब हमारे पास में इसमें कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है, कोई आइडिया है आपको? मानसिक चिकित्सा, ओके, और मानसिक चिकित्सा को आप कैसे देखते हैं? हमारे एक शरीर जो है उसके तीन पार्ट है। इसमें पहला पार्ट जो है हमारा शरीर है, जो फिजिकल बॉडी जिसको कहते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो हमारा इंद्रिय शरीर है, इसके अंदर मन आता है, ठीक है। तीसरा हमारा शरीर कौन सा होता है? तीसरा हमारा शरीर होता है जिसको हम आत्मा कहते हैं, इसको कारण शरीर बोला गया है हमारे आयुर्वेद की परिभाषा में। हमारे तीन शरीर हो गए, ये कौन है ना वीडियो, तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। इस प्रकार से हमारे तीन शरीर होते हैं। जो हमारा तीसरा शरीर है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसको हम आत्मा प्रधान मानते हैं। उस आत्मा को यहाँ पर दैव कहा गया है, ठीक। कोई इसमें स्ट्रक्चरली कोई डाउट? कितने लोग ऐसे मानते हैं कि उनके शरीर में आत्मा नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर बिना आत्मा के काम चला रहा हो, तो जानकारी हम दे सकते हैं? एनीबडी? कोई भी नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो जैसे जीवित और मृत व्यक्ति का डिफरेंस पता है क्या होता है? yes. चेतना होगी तो जीवित होगा, मृत होगा तो क्या होगा? ये ज्यादा आसान कर दिया समझाने के लिए, क्योंकि मुझे चेतना को भी समझना पड़ेगा कि ये क्या होती है। इधर एक आत्मा पे हम अपना चैप्टर क्लोज कर सकते हैं कि आत्मा जो है शरीर से बाहर व्यक्ति डेड, आत्मा शरीर के अंदर व्यक्ति जीवित। अब आत्मा शरीर के अंदर जब आई तो प्रेगनेंसी में थर्ड या फोर्थ मंथ के अंदर जो है अल्ट्रासाउंड चेक करते हो, बच्चे की हार्ट बीट सुनाई दे जाती है, मतलब ये कि आत्मा आ गई होगी अंदर, तभी हार्ट बीट अलग से आ रही है। फिजिकल बॉडी जो है एक फिजिकल बॉडी पर टूट जाती है, फिजिकल बॉडी दूसरी फिजिकल बॉडी को क्रिएट करती है और हमें पता चलता है कि ये लिविंग बींग क्रिएट हो गया। सबको क्लैरिटी हो गई? अब ये जो आत्मा है, ये आत्मा हमारे आयुर्वेद जो प्रधान ग्रंथ है उनके अंदर आत्मा जो है वो शरीर और मन का निर्माण करती है, मतलब एक आत्मा दूसरी आत्मा का निर्माण करती है, ठीक है। इसी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं आप सब लोगों को। अब इसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर गाड़ी को ध्यान करें तो आप अपनी गाड़ी कहाँ पर सर्विस कराते हैं? सर्विस सेंटर में। कौन सी कंपनी के सर्विस सेंटर में? जिस कंपनी की गाड़ी है उसी कंपनी के सर्विस सेंटर में आप अपनी गाड़ी को सर्विस करने के लिए भेजते हैं। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर आत्मा जो है उसने इस शरीर और मन का निर्माण कराया तो मैन्युफैक्चरर कौन हो गया? आत्मा। तो मेंटेनेंस के लिए कहाँ पर जाएगी गाड़ी? तो ये आश्रय लेना मतलब अपनी गाड़ी के मेंटेनेंस वाले पार्ट को एड्रेस करने की बात होती है। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में गाड़ी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? इंजन। शरीर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? एक एक करके बोल दो जोर से। आप बोलो क्या कह रहे हो? जोर से बोलो। हार्ट, ठीक है। आपके हिसाब से ब्रेन, तो पहले ब्रेन ही है। ब्रेन जो है वो बॉडी का फर्स्ट पार्ट होता है जो सबसे पहले डेवलप होना शुरू होता है, उसके बाद में हार्ट आता है। सो को एग्जिस्टेंस भी कह सकते हैं, बट फंडामेंटली ब्रेन इसका करेक्ट आंसर है। अब थोड़ी देर को लेकर चलिए जहां पर हमारा ब्रेन ही इम्पैक्ट हो जाए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, कोई फौजी है सियाचिन ग्लेशियर पे है और ग्लेशियर पे टेम्परेचर कितना होता है? -15 डिग्री -35 डिग्री। वो
टेम्परेचर जोन में उसको जो है कॉन्टिन्यूस ड्यूटी करनी है, इतनी बर्फ के अंदर मैं आपको खड़ा रखना है, तो उसका शरीर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि 4 घंटे आपको फ्रिज में रहना है तो आपको उसका फर्क पड़ेगा ना, आपकी सांस भारी होगी, सारी दिक्कतें आएंगी। ठीक उसी प्रकार से जब हम इस पूरी प्रक्रिया में उस व्यक्ति के माइंड को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका माइंड भी डिटीरियरेट हो जाएगा। अभी तक हमें ये बताया गया एलोपैथिक सिस्टम में कि माइंड सबसे पावरफुल है, माइंड कैन डू एनी मिरेकल्स। तो अगर माइंड कैन डू एनी मिरेकल्स और माइंड ही इंपैक्ट हो गया तो वो शरीर का क्या हुआ? इसका एग्जांपल ऐसा हो गया कि आपने खरीदा तो 1,25,000 रुपए का आईफोन और उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो क्या होगा? वो चलेगा या नहीं चलेगा? पैसे कितने बर्बाद हुए? 1,25,000। उसके बाद आप सारे प्रोसेस में कनेक्ट होंगे, उसको उसके एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेंगे, सब कुछ उसके बाद में होगा। मैं मेरी बात समझा पाया? हमारे शरीर की स्थिति भी बिल्कुल वैसी है कि अगर किसी भी सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट यानी कि माइंड अगर कंपेयर करें कार के हिसाब से तो वो गाड़ी का इंजन के जैसा हो गया, अगर वही इंपैक्ट हो गया तो उसको रिपेयर कैसे करेंगे? तो हमारे को क्या कोई रिपेयर मैकेनिज्म पता है? नहीं पता। ठीक, अब इसके रिपेयर मैकेनिज्म को तो हम बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले इसकी पूरी सिचुएशन आपके सामने हाईलाइट करते हैं। पूरी दुनिया में 5G रेवोल्यूशन कब आया था? अच्छा, 8 साल पहले 5G रेवोल्यूशन सबसे पहले लंदन में आया था। लंदन में वोडाफोन कंपनी ने 5G शुरू करा और 5G शुरू होते ही पहले 100 दिन के अंदर जो है उनके यहाँ जो ऑटिज्म, पार्किंसन और एल्जाइमर, डिमेंशिया, इसमें तकरीबन 10 गुना की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद वोडाफोन कंपनी ने केवल ऑटिज्म को ट्रीट करने के लिए $10 बिलियन का फंड बनाकर छोड़ा। $10 बिलियन कितने होते हैं? उस टाइम पे लगभग 50,000 करोड़ थे, आज लगभग 80,000 करोड़ रुपए। सो उतने करोड़ रुपए रखे गए इसलिए ऑटिज्म को ट्रीट करने के लिए। ऑटिज्म में क्या होता है? एक प्रकार का मानसिक रोग है। तो जब आप रोगों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन कौन से रोग ऐसे हैं जो एलोपैथी के लिए लाइलाज है। अब आते हैं, कंपैरिजन करते हैं MBBS वर्सेस BMS। आपकी पहली चॉइस कौन सी थी, MBBS या BMS? BMS। ये जो है कल जो MBBS मिलता है तुरंत चले जाते और किस किस को BMS फर्स्ट चॉइस थी? ये सब कुछ होते हैं। MBBS सबकी फर्स्ट चॉइस होती है। MBBS जब कोई नहीं करने के तौर पर होता उसके बाद वो BMS सेकंड पे चलता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जो हमने आइडेंटिफाई कराया तो ये है, किसी भी आम आदमी का सबसे बड़ा विश्वास एक MBBS डॉक्टर पे होता है, क्योंकि वो पिछले 50-60 साल से चल रही है। हमारा BMS मतलब आयुर्वेद जो है वो पिछले कुछ दिनों से बैकगेयर लेता था। दूसरी चीज, हर तरीके की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लार्ज हॉस्पिटल, अपोलो वगैरह जो है, एक एक हॉस्पिटल ही 50,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर। तीसरा रीजन, वहाँ पर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है इसमें एलोपैथी में। आयुर्वेद में आप ढूंढने जाओगे तो 10-20-50 लाख के रिसर्च पेपर आपको नहीं मिलेंगे, एलोपैथी में ढूंढोगे तो 8-10 लाख रिसर्च पेपर आपको मिलेंगे। इतना बड़ा फर्क। तो जब हमने सिस्टम को देखा तो हमें पता चला कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करें जिसमें हर व्यक्ति को रिसर्च करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम प्रोवाइड करें। रीजन क्या है सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा रीजन ये, आपको पता है कि सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिलती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सैलरी का क्या है? आप उससे ज्यादा सैलरी नहीं ले सकते। फैसिलिटीज राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा मिलती है, सैलरी बहुत कम लगाती है। एक रिसर्च साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। US के अंदर ग्रीन कार्ड लेना है अगर किसी को, उसको 3.5 घंटे के अंदर इमीडिएट ग्रीन कार्ड ऑफर कर दिया गया, क्योंकि उसकी साइंटिस्ट की डोमेन जो थी वो इम
लीजिए तो पैसे कमाने के हिसाब से थी। सो ऐसी ऐसी रिसर्च जो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उसको यूएस वाले 3.5 घंटे में ग्रीन कार्ड दे देते हैं, और बाकी किसी को तो 10-10 साल तक नंबर नहीं आता। तो रिसर्च का सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा देश करता है? यूएसए। हमारे देश कुछ नहीं, हमारे देश में रिसर्च के लॉज ही नहीं है। तो जब हमने इस वाले सिस्टम को स्टडी करा तो हमें पता चला कि रिसर्च अगर सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है और उसकी सबसे ज्यादा सैलरी और फैसिलिटीज है, मतलब जितना बड़ा एक कॉलेज है इतना बड़ा तो बंगला मिलता है एक साइंटिस्ट को, प्लस सिक्योरिटी वगैरह वो सारी की सारी चीजें, तो आप सोचो कि इतनी सारी फैसिलिटीज कौन दे रहा होगा? तो कोई ना कोई बिलियनियर वो फैसिलिटी दे रहा था। सबसे ज्यादा बिलियनियर, बिलियनियर किसे कहते हैं? बिलियन कहते हैं 10^6 को, बिलियन कहते हैं 10^9 को, ठीक है? अब वो रुपी या डॉलर कुछ भी हो सकता है, तो 10^9 डॉलर्स इज इक्वल टू 1 बिलियन है मिनिमम। अब 1 से लेकर 100 तक जो है वो बिलियन की कैटेगरी चलती है, फिर उसके बाद बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है। तो अब ये जो बिलियनियर कैटेगरी है, इस बिलियनियर कैटेगरी में तकरीबन 2400 बिलियनियर पूरी दुनिया के अंदर है, जिसमें से मात्र 700 समथिंग बिलियनियर अकेले अमेरिका देश के अंदर। 700 कितनी वर्थ के? आज का 80 रुपए का डॉलर लगा लूं मैं तो 8000 करोड़ रुपए की वर्थ से ऊपर के कितने लोग हैं? 700 लोग। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर एक कॉलोनी में 700 लोग रह रहे हो और आदमी जो है वो 8000 करोड़ से ऊपर का हो तो उस स्थिति क्या होगी? वो कंटिन्यूअसली वो ढूंढेगा, क्योंकि उसका काम चल रहा है, वो ये ढूंढेगा कि कैसे मैं और ज्यादा पैसे कमाऊं, इस बिलियन को ट्रिलियन की तरफ कैसे ले जाऊं। जब वो इस तरह से सोचता है तो वो कहता है कि मेरी सोच जो है केवल पैसे कमाने तक सीमित है, कोई मेरे पास नई रिसर्च लेकर आए जिसको मैं देखूं कि वो और ज्यादा पैसे कमाने में मदद करे। तो रिसर्च जो है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्यापारी जो है बिल्कुल बैठा हुआ है मजबूती से ये देखने के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने पैसे को बढ़ा सके। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा? रिसर्च करने के लिए क्यों कह रहा? क्योंकि पैसे ज्यादा मिल गए। आप सब लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो? पैसे कमाने के लिए। कहीं कोई और चीज का थॉट प्रोसेस है? कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर जो पैसे कमाने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा? हाथ उठाए जिसे बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए, पैसे से मतलब ठीक गंदा ऐसे करता हूँ, कोई है नहीं? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है सबको कि हमारे को रिसर्च इसलिए करनी है क्योंकि रिसर्च करने के लिए पैसा मिलता है बहुत ज्यादा। आप जॉब पे जाओगे वो भी आपको पूछेंगे, इंटरव्यू एकदम से ही आता है कि आपने क्या करा? बोले जी मेरा, मैंने बीएमएस करा है और मेरे ये 5 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, मेरे 9 पब्लिश हुए थे। मुझे किसी ने बोला कि आप 9 रिसर्च पेपर पब्लिश करे और 900 भी कर लोगे तो कोई फायदा नहीं है। मैंने क्यों? बोले 900 लोगों को रिसर्च पेपर कराओगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। तो उस दिन से हमने अपने काम करने के तरीके को चेंज करा और हमने स्टूडेंट से कनेक्ट करना शुरू करा, सो दैट की एक फील ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आए। तो सबसे ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट पैसा, पैसे के लिए रिसर्च। अब रिसर्च जो है वो कितने लोगों ने करी उसकी वैल्यू है, ठीक? नोबेल प्राइज से किसी ने नाम सुना? नोबेल प्राइज क्या है कंपनी? एक बंदा जोर से बोल दो जिसको क्या दिक्कत है। नोबेल प्राइज एक व्यक्ति जिसने डायनामाइट का इन्वेंशन करा था, अल्फ्रेड नोबेल नाम था उसका, उसने डायनामाइट का इन्वेंशन करा। डायनामाइट के इन्वेंशन पे सारी देश की सेनाएं जो है वो आ गई, बोले हमें भी डायनामाइट चाहिए, हमें भी डायनामाइट चाहिए, और सडनली वो जो है हजारों करोड़ का व्यक्ति हो गया। तो हजारों करोड़ का व्यक्ति हो गया तो उसने जो है नोबेल प्राइज की प्रक्रिया को करा कि जो व्यक्ति कोई भी रिसर्च करेगा किसी भी फील्ड के अंदर उसको जो है हमारी संस्था हर साल अवार्ड देगी। तो आप लोग सुनते हैं नोबेल पीस प्राइज, अब की बार इसको मिला, तो जिसने बम बनाया वही पीस प्राइज का अवार्ड भी देता है। तो बम की आवश्यकता जो है सबसे ज्यादा प्राथमिकता। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, हम रिसर्च
पैसे के लिए कर रहे हैं, रिसर्च कमाने से बहुत अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन रिसर्च को क्या चाहिए? आप सारे लोग रिसर्च कैसे कर सकते हो? आप कहोगे मैं तो 12वीं पास करी है, अभी तो कॉलेज में कदम नहीं रखा और आप बात कर रहे हो रिसर्च की, स्वाभाविक क्वेश्चन है। तो रिसर्च करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है? जी आइडिया, टॉपिक, जी पैसा। रिसर्च करने के लिए पैसा क्यों चाहिए? यहाँ तक भी तो मानी बिल्कुल ठीक है, ये पैसे वाला एंगल नहीं सुना। रिसर्च करने के लिए पैसा क्यों चाहिए? इक्विपमेंट मिलता है, फ्री में मिलता है। मैंने भी दोनों रिसर्च पेपर पब्लिश करे हैं, बिना कोई पैसा नहीं लगा, किसी भी चीज में नहीं लगा। भाई मुझे पता है कि मैं रिसर्च किसी को भी करवा सकता हूँ बिना इक्विपमेंट लगा। अच्छा, तो आप लोग ये सोच रहे हो कि ये जो बाहर लेबोरेटरी बनी हुई है जिसमें बहुत सारे बीकर और क्यूबिकल बनते हैं, बहुत सारे केमिकल बनते हैं, उसके बिना रिसर्च नहीं हो सकती, आप ऐसे सोच रहे हो? रिसर्च के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो आप लोग
पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग करता तो क्या होता, समुद्र बंधन पॉसिबल था? समुद्र बंधन पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के तौर पे उसको खींच रहे थे, घुमा रहे थे। जब वो घूम रहे थे तो क्या हुआ, चलनी हुई। थॉट को जनरेट करने से पहले, पेन के ट्रिगर होने से पहले आपको चलनी करनी पड़ती है। अमृत और विष का फर्क भी इतना ही है। विष क्या होता है, हरेक को पॉजिटिव और नेगेटिव की दृष्टि से देखना, अच्छे और बुरे की दृष्टि से देखना। रावण कौन था, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। राम क्या था, पॉजिटिव था नेगेटिव था? राम पॉजिटिव था, रावण नेगेटिव। राम की कोई वैल्यू है अगर रावण नहीं होता तो? कंस की कोई वैल्यू है अगर कृष्ण ना होता तो? बहुत बड़ी वैल्यू होती। आज हम सब जो है कंस के उसमें ही बैठे होते और खुद भी कंस के जैसे ही होते, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। क्योंकि कृष्ण आ गया, उसने कंस को खत्म कर दिया, तो हम थोड़ा बहुत कृष्ण बनने का प्रयास करते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है उसको जब आप ध्यान से देखेंगे, आप हरेक के होने के कारण को एब्जॉर्ब करिए। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? आप जब अपने आप को देखेंगे तो आपको अपने माता पिता समझ में आएंगे, आप अपनी मदर को देखेंगे तो नाना नानी समझ में आएंगे। तो नाना नानी क्या है, कॉज है, मदर क्या है, इफेक्ट है। मेरी बात समझा पा रहा हूं? आप लोगों के केस में आपकी मदर कॉज है, आप इफेक्ट है। वहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव पॉजिटिव चर्निंग होने के बाद जो बाहर आया वो आप है। तो आप अगर लगातार हर एक में नेगेटिव पॉजिटिव, ये सही है गलत है, ये खाता है ये वो खाता है, ये सतोगुणी है रजोगुणी है ये तमोगुणी है, यही करते रहेंगे, यू विल बी नेवर एबल टू चर्न। और जब चर्निंग नहीं होगी तो क्या होगा, दूध ये मक्खन कुछ बात नहीं आएगा। तो चर्निंग के लिए चीजों को एक्सेप्ट करिए और उसका पर्पस देखिए कि इसका यहाँ पर क्या पर्पस है। समुद्र मंथन को जब आप देखते हैं तो उसमें देवताओं का क्या पर्पज है, असुरों का क्या पर्पज है, बीच का पहाड़ क्या पर्पज है, बांधने वाली रस्सी क्या पर्पज है, जब ये नीचे कछुआ क्या पर्पज है, जब ये सबको ध्यान से आप देखना शुरू करोगे तो पता चलेगा जर्निंग में इतने सारे एलिमेंट इन्वॉल्व है। तो रिसर्च के लिए हमें क्या चीज चाहिए, थिंकिंग। थिंकिंग से पहले क्या होना चाहिए, जर्निंग। चर्निंग के लिए क्या होना चाहिए, हर चीज के पर्पस को एड्रेस करना आना चाहिए। तो मेरी बात समझा पाया? बड़े सिंपल सिंपल तरीके से हम चल रहे हैं, कोई मैं कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहा। बिकॉज आई अंडरस्टैंड आपके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कोई भी टेक्निकल टर्म नहीं यूज कर रहा हूँ पूरे प्रोसेस में। अब चर्निंग हुई और चर्निंग में कौन कौन बाहर निकला, बोले थी लक्ष्मी जी बाहर निकली। पहले धनवंतरी बाहर निकले या पहले लक्ष्मी जी बाहर निकली? लक्ष्मी जी के लिए संस्कृत में टर्म है लक्ष्यते इति लक्ष्मी, मतलब जहां लक्ष्य होता है वहां पर लक्ष्मी होती है। ठीक, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लक्ष्मी नहीं चाहिए? यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जानते हो जिसको लक्ष्मी नहीं चाहिए? लक्ष्मी मतलब रुपए पैसे की बात करें, रिलीजन बेस मत लेकर चलते। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लक्ष्मी नहीं चाहिए? एक आपको तो लक्ष्मी आएगी कब, जब आप सबके पास में पर्पस होगा, एक लक्ष्य होगा। यहां पर हम आपके लक्ष्य को कहां पर सीमित कर रहे हैं, एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए। जब आप वो रिसर्च पेपर लिखोगे तो लिखने के टाइम पर थॉट होगा, उस थॉट के लिए चर्निंग होगी और उस चर्निंग से रिलेटेड पॉइंट्स को आप डॉक्यूमेंट करना शुरू करोगे, धीरे धीरे चीजें बाहर निकलेंगी। अब चीजों को धीरे धीरे बाहर निकालना है तो हम देखना शुरू करते हैं। एक व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम है, उसको हार्ट में दर्द हुआ, थोड़ी देर बाद हार्ट ने धड़कना बंद कर दिया और व्यक्ति की डेथ हो गई। डेथ को क्या कहेंगे, कार्डियक अरेस्ट से मर गया। तो पेन हुआ क्यों, क्योंकि कोई इमोशन ऐसा आ गया जो बिल्कुल चुपता हुआ था और उसको दर्द फील हुआ और दर्द फील होने के बाद मशीन बंद हो गई। ऐसी होता है ना। तो जब आप कोई भी एक बीमारी को लेकर पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आप उस विचार पर पहुंच जाएंगे जिस विचार ने उसको दर्द दिया। मैं
मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? जब उस विचार को हम ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान में फाइनली हम कनेक्ट कहाँ पर होते हैं? उस व्यक्ति की आत्मा से, उस व्यक्ति के मन से, उस व्यक्ति के शरीर से। पेन कहाँ पर हुआ? शरीर में। फॉल्ट किसका हुआ? सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर का नाम था पेन या वायरस। जैसे मोबाइल पे आपके क्लीनर करके एक बटन होता है, जो दबाते हो तो जो भी जंक फाइल होती है वो रिमूव कर देता है, उसमें कोई इफेक्ट होता है नहीं होता, तो वो आपको बताएगा कि कब इसमें कितना जंक इकट्ठा होगा, रोज बताता है। अगर हमें भी ये पता चल जाए कि रोज हमारे पास कितना जंक इकट्ठा हो गया तो हम क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। बट हमें क्लीन बटन बचपन से बताया नहीं गया, हमें तो ये बताया कि भाई ये दिक्कत हो तो ये गोली खा लो। क्लीन करने के लिए आपको क्या चाहिए? वो है एक थॉट। इस बात को महसूस करना कि जंग आपने इकट्ठा कर लिया। तो जब हमने वो तुलसीदास जी के रामचरितमानस पढ़ रहे थे, तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस